तो मैंने और शानिस ने अभी कितना देर 43 मिनट्स बैडमिंटन खेला है। क्या मजा आया शानिस, बट मैं जीत गया एंड में। चीटर काय का चीटर, इसमें चीट थोड़ी होता है। चल रे, यू आर रॉटन लेमन। योर ऑर्डर हैज गॉट डन विद एडिटिंग। कल का व्लॉग मत भूलना देखना। वैसे तो हर व्लॉग देखता हूं, मुझे भूलने की जरूरत नहीं, लेकिन सोचा कि मैं एक रात को एक सवाल मेरे दिमाग में आया, सोचा कि आपसे पूछूं, उसी सवाल का जवाब देना। सैलरी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी होती है, मतलब एक बीवी हो, बच्चे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो और खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। कितना आपको क्या लगता है महीने का कितना पैसा आना चाहिए? अब 100 करोड़ 200 करोड़ मत बोलना, लॉजिकल आंसर देना जो आप कमा भी सकते हो जिंदगी में कभी। एक और रीजन है ये सवाल रात में पूछने का, बिकॉज रात में सब खुफिया दिमाग वाले जागे रहते हैं, जो सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, तो आपका आंसर भी दिल से आएगा, दिमाग से आएगा। इधर जितने जवाब आए हैं मंथली में कितना पैसा चाहिए जिससे हमें खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, उसका अप्रॉक्स जो सैलरी हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि 2 से 4 लाख रुपए महीना चाहिए, विच इज़ आई थिंक इज़ मोर देन इनफ टू लिव अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। एनी बात बोलूँगा गाइज, ज़्यादा पैसा बहुत टेंशन लेके आता है और कम पैसा बहुत तकलीफ लेके आता है। 2 से 4 लाख रुपये महीना, तकलीफ भी होती है, टेंशन भी होता है, लेकिन एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी बीत जाती है, ऐसा मुझे लगता है फिलहाल के टाइम पे। आगे कितना लगेगा मुझे नहीं पता। ये छोटू उस्ताद को लाए थे तो यहाँ तक था, अभी देखो हो के हो यहाँ तक था, सॉरी। और ये देखो, ये इधर से निकला, क्या बोलते हैं भाई, फ्लावर भी आ गया है, वेरी नाइस। शैनिस बोलती है धीरे 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 पूरी अपनी प्रॉपर्टी कब्जा कर। यहाँ पर तेज बारिश आ रही है, काले काले बादल ऊपर, लेकिन आप ध्यान से देखोगे वहां पर प्लेन लैंड कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली शैनिस बोलती है बादल नहीं है, टर्बुलेंस एक्सपीरियंस करते रहेंगे हम लोग। क्या लगता है शैनिस? बेचारी ये देख के डर जाती है। सम पीपल स्टूप डाउन सो मच टू गेट सम व्यूज, जैसे कि मैंने आज व्लॉग में बोला कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन। क्यों बोलूंगा मैं, मेरे को मत मारी गई मैं बोलूंगा, लेकिन थंबनेल में ऐसा डाल के आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन, मुंबई के निखिल सेज दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वैक्सीन अच्छी। अरे मैंने कब कुछ क्या बोला, और लोग भी बिलीव कर लेते जो भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं से चिड़ मस्ती है और चुल मस्ती है ये सब हेट फैलाने की। हेट खुद फैलाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैं हेट फैला रहा हूँ इंडियन वैक्सीन के लिए। अरे कहाँ फैलाया? और फिर लोग बोलते हैं कि निखिल भाई स्पीकर हार्ट आउट, कुछ मतलब नहीं भाई स्पीकर हार्ट आउट, लोगों को बस यही सब गंदगी देखनी है, और सॉरी ये सब गंदगी में मैं गिरूंगा नहीं। यू थिंक इट्स माई बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑल्सो एज अ व्लॉगर कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँ, मतलब अगर मैं सोनी कैमरे के बारे में बात कर रहा हूँ, डज दैट मीन कि आई हेट कैनन, आई हेट निकॉन, आई हेट फुजी फिल्म, इसका गलत मतलब निकालने की क्या जरूरत है? इस तरह की स्टोरीज बनाना मुझे पसंद नहीं है, ना कि मुझे व्लॉग में सब तरह की बात करना पसंद है। मैं हैप्पी को लगे कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चलता है बस अपन उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ बताना जरूरी है, अपने लोगों को बोलना जरूरी है कि भाई अपन भी इंसान है, अपन को भी इससे इफेक्ट होता है। एनीवेज लेट्स बिगिन।